उचित मूल्य खाद्यान्न सामग्री की नवीन पात्रता सूची जारी करने के संदर्भ में शुक्रवार को दोपहर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा नगर पालिका कार्यालय पीथमपुर में बैठक संपन्न हुई, जिसमें सहायक आपूर्ति अधिकारी शालिनी सिंह राठौर ने बताया कि खाद्य अधिनियम 2013 NFSA के तहत नवीन पात्रता रखने वाले नवीन सदस्यों को जोड़ा जाना है। साथ ही नवीन पात्र परिवारों को इसमें सम्मिलित कर्मियों को पोर्टल पर जानकारी को फीड करने संबंधित ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही इस बैठक का उद्देश्य खाद्य आपूर्ति की 24 श्रेणियों के तहत गरीब और पिछड़ा वर्ग के मुफ्त राशन उपलब्ध कराने संबंधित डाटा जैसे आधार, जन्मतिथि, अन्य जानकारियां पोर्टल पर डालने के लिए जोन प्रभारियों को आदेशित किया गया है। बैठक में प्रमुख रूप से शालिनी सिंह राठौर, सहायक आपूर्ति अधिकारी विजय अहिर और समस्त जोन प्रभारी मौजूद रहे। पीथमपुर से संजय सोनगला की रिपोर्ट। में जो पात्रता पर्चियों को लेकर के जो आज वर्चुअल मीटिंग यहाँ पर और ये मीटिंग ली गई है, इसके बारे में बताइए क्या कैसा है। ये वो NFSA खाद्य अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो नवीन सदस्यों को जोड़ा जाना है और जो नवीन पात्रता पर्ची जारी करनी है उसको लेकर के आज हमारे द्वारा मीटिंग ली गई थी कि ये जो नवीन पात्र परिवारों को और जो नवीन सदस्य हैं ये नगरीय निकाय द्वारा जोड़े जाएंगे, तो उसकी किस तरह से उसको पोर्टल से कैसे फीड करना है, कैसे उनके आधार कलेक्ट करना है, कैसे हम डाटा में ट्रांसपेरेंसी ला सकें, कैसे वो ऑथेंटिकेटेड रहे, उस मैटर पे ये मीटिंग किया। इससे किन लोगों को और क्या लगभग फ़ायदा हो सकता है इसमें? जैसे कि खाद्य विभाग की पात्रता पर्ची जारी करने की जो हमारी 24 श्रेणियाँ हैं उसमें जो लोग पात्र हैं, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं जिनको हम मुफ्त में अनाज या सस्ता अनाज दिलाते हैं, इससे उन परिवारों को, उन वंचित परिवारों को लाभ पहुंचेगा। मैं आपका नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम शालिनी सिंह राठौर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।